हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा राउंड शेप डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 25 फंदे में बनाना बताऊंगी। 25 फंदे में भी ये मीडियम साइज का बनकर तैयार हो रहा है पुरानी साड़ी से। इस डिज़ाइन को मैं पुरानी साड़ी से ही बनाना बता रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दो साड़ियाँ लगेंगी 25 फंदे में बनाने से, और अगर आप ज़्यादा फंदे लेंगे तो ये दो साड़ी में कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप दो साड़ी से बना रहे हैं तो 25 फंदे ले। तो इस डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो थोड़ा कर ही देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, ये साड़ी को कट कर लिए हैं इतनी चौड़ी पट्टी में, देखिए इस तरह से फंदे ले लेते हैं, 25 फंदे ले लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो 9 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करिएगा। जितना मोटा पट्टी काटिएगा उतना ही पतला आपको सिलाई का इस्तेमाल करना है, और ऊन से बना रहे हैं तो 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 25 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए, ये जो पहला फंदा है उसे इस तरह से उल्टा बिनेंगे, इसे अच्छे से इस तरह से खींच लेंगे। अब दूसरे फंदे में फ्रिल वाला डिज़ाइन डालेंगे, तो अच्छे से देखिए, ये एक बार इस तरह से लपेटना है, फिर अंगूठे के नीचे से लेते हुए फिर से लपेटना है, फिर ये दोनों उंगली से इसको इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे निकाल देना है। इसके बाद ये दोनों धागा को यहाँ से इस तरह से इसे फंदे से निकाल देना है, इसी तरह से बिनना है इसको। ये देखिए, फिर से करके दिखा रहे हैं इस तरह से, एक बार दो बार इस तरह से लपेटना है, फिर से निकाल देना है, फिर से बिन देना है। इसी तरह से 6 फंदों में करना है। तो अब तक ये दो फंदे में हम लोग फ्रिल बनाए हैं, और बाकी फंदे में कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 6 फंदों में करना है। देखिए ये हो गया, बाकी जो बचे हुए फंदे हैं उन्हें इस तरह से उल्टा उल्टा बिनना है, इनमें फ्रिल नहीं डालेंगे। इसे बिनते हुए एकदम अंत तक चले जाएंगे, अंत में यहाँ दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए अंत में, अंत में यहाँ दो फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं इन दोनों को, यहीं से धागा को पलट देते हैं। इस साइड से भी उल्टा उल्टा बिनते हुए यहाँ तक बिनना है इस तरह से। तो पहले इसे बिनते हुए एकदम यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए हैं इधर, यहाँ पे जो फ्रिल बनाया है 6 फंदों में उसको एकदम टाइटली बिनना है। देखिए इस तरह से बिनेंगे और अच्छे से इसे खींच देंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग बिनेंगे फ्रिल डालेंगे तो यही सब फंदों में फ्रिल डालेंगे, तो लूज रहने से खुलने का डर रहेगा, इसलिए हमेशा पीछे साइड में देखिए इस तरह से यहाँ पे खींच खींच करके इसे बिनना होगा टाइट से, ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरह से, फिर से जो सामने वाला है उसे उल्टा ही बिनेंगे ऐसे, फिर से यहाँ से 6 फंदों में फ्रिल बनाएंगे इस तरह से, चुन डालेंगे। ये देखिए,
देखिए इस तरह से छह फंदों में, हर बार छह ही फंदे में इस तरह से करना है। बाकी को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे और इस साइड से फिर से दो फंदा यहाँ पे बिना बुने छोड़ेंगे, फिर से यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए अंत में आ गए, फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं, फिर से इस साइड से बिनते हुए वापस यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए हैं इसके ऊपरी साइड में, ये देखिए। इसी तरह से बार बार छह फंदों में इस तरह से फ्रिल बनाना है और हल्का हल्का इसे इस तरह से टाइट कर देना है ताकि ये खुले ना। देखिए बिल्कुल भी बैक साइड से इसकी बिनाई इस तरह से कुछ नज़र आएगी। इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं और हर लाइन में इस तरह से फ्रिल बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक के फंदे छोड़ दिए हैं। ये मैं कलर चेंज नहीं की हूँ, साड़ी ही दो कलर का था। देखिए बाकी गोला ये वाइट कलर में आ रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो सात फंदा है उसमें से हम लोग फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए अब इसमें से हम लोग दो दो फंदा नहीं छोड़ेंगे, देखिए किस तरह करते हैं। यहाँ फिर से पहला फंदा को बिनेंगे और यहाँ से तीन फंदों में ये वाला पैटर्न डालेंगे। ये देखिए सिर्फ तीन ही फंदों में बनाएंगे, बाकी इधर के जो तीन फंदे उन्हें छोड़ देंगे, यहीं से धागा पलट देंगे। इस साइड से बिन लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एक बार बिन लेंगे सबको उल्टा उल्टा। इस लाइन में कोई फ्रिल नहीं डालेंगे, सबको एक साथ इस तरह से बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए एकदम अंत में आ गए। अब अगर आप सेम कलर से बनाना चाहते हैं तो फिर से सेम ही रखिए, यहाँ से फिर से फ्रिल डालना शुरू कर देंगे जैसे पहले लाइन में किए थे। और अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग इसमें दूसरा कलर लगा लेते हैं। इसे एकदम यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में, ये देखिए फिर से सेम जैसे पहले लाइन में किए थे वैसे ही पहला फंदा को इस तरह से बिन लेंगे उल्टा और दूसरे फंदे से फ्रिल डालना शुरू करेंगे इस तरह से। फिर से बाकियों को बिनते हुए एकदम अंत तक चले जाएंगे, ऐसे ही जैसे ये वाला कंप्लीट किए वैसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जैसे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला, तो इस वाले में मैं आपको फंदे बंद करना सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स जब ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो अभी हमारा धागा यहाँ पर है, देखिए अब यहाँ से सारे फंदे बंद कर लेते हैं।
इस तरह से दो फंदा को साथ में लेकर के बिन देना है। देखिए फ्रेंड्स, बिन लिए। अब ये लास्ट वाला फंदा में इसको इस तरह से निकाल देंगे, कट कर देंगे।